श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु मोमिन जाने मरोरा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी ये प्रसंग कहा जा रहा था, इस दुनिया में जितने भी शास्त्र वगैरह अवतरित हुए हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश के द्वारा उनकी ही एक प्रकार की रचना है, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए उनकी रचना ही है। तो उनका निचोड़ ब्रह्मात्मा जान सकती है, ठीक है ना। बका करी जो दुनिया दिया सबको हक इल्म, पूरी दुनिया को अखंड करने के लिए दिया सबको हक इल्म, सबको ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान प्रदान किया। सो इल्म से पता करे हमारी, ये ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्मात्माओं की महिमा गाता है। जो ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को मुक्ति देने के लिए सक्षम है तो वो भी ब्रह्मात्माओं की महिमा गाता है। हुकुम है कि आ वास्ते हम, ये सब अक्षरातीत धामधनी के आदेश नहीं, ऐसा करवाया है ब्रह्मात्माओं के लिए, ये ज्ञान भेजा, इसके माध्यम से ब्रह्मात्माओं की महिमा करवाई, तो ये सब अक्षरातीत धामधनी की कृपा है। ये जो बक्का किए हम वास्ते जाने कायम होए सिफत, ये जो बक्का किए हम वास्ते हमारे लिए, इन 14 लोगों को भी अखंड किया है। जाने कायम होए सिफत के मनो ब्रह्मात्माओं की महिमा हमेशा गवाती रहे। अब इसमें ये एक समझने वाली बात है, ब्रह्मात्माओं के कारण तारतम ज्ञान के माध्यम से दुनिया अखंड होगी, दुनिया के लोग मुक्ति स्थलों में पहुँचेंगे, तो उनको लगेगा कि हमें यहाँ का सुख मिला तो इनके कारण, तो ब्रह्मात्माओं की महिमा वो हमेशा गाते रहेंगे, ये बात कह रहे हैं। सिफत फना की ना रहे ए हुकुमे हम को दई न्यामत, वैसे दुनिया की कोई महिमा नहीं होती है नश्वर जगत की, किंतु ए हुकुमे हम को दई न्यामत, ये सारी संपदा है ईश्वरी राज्य के आदेश ने हमें प्रदान की है। तो वहाँ मुक्ति स्थलों में ये ब्रह्मात्माओं की महिमा गाएंगे, ब्रह्मात्माओं के कारण हम लोगों को ये सुख मिला है, ऐसा करके। तो नश्वर जगत की महिमा तो होती नहीं अखंड में, फिर भी श्री राज्य की हुकुम ने ये करवाया, ये उनके रचना का ही तो कार्य है। मेरा करी हक रसनाएं सो किन विद कहो विस्तार, श्री राज्य के रसना ने इतनी बड़ी कृपा की है, उसका क्या विस्तार पूर्वक उसका क्या विवरण समझाएं। बका शब्द जो उचरे सो देने हमको सुख अपार, अखंड की बातें, अखंड के शब्दों का उच्चारण मात्र भी किया ना, अखंड की बातें बताई किसके माध्यम से, ये तारतम सागर के माध्यम से बता दी है, अखंड की बातें समझा दी हम लोगों को। सो देने हमको सुख अपार, हमें अपार सुख प्रदान करने के लिए ये तारतम सागर भी हमारे लिए अवतरित हुआ है, जितने शास्त्र अवतरित हुए सब हमारे लिए हैं, और ये तारतम सागर इसमें तो अखंड की बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है ना, ये हम लोगों को सुख देने के लिए। सबके हक हमको किए
हक रसनाए बीच बका। श्री राज्य के रसना ने इस दुनिया को अखंड करके तो उनके स्वामी, हम लोगों को उनके स्वामी बना दिया, ब्रह्मात्माओं को उनके पूज्य बना दिया। ए सुख इन मुख क्यों कहूँ, जो दिया हादि रूहों को अभिष्ट का। अक्षराते दामदनी ने ब्रह्मात्माओं को जो बहिष्ट का मुक्ति स्थल का सुख प्रदान किया है, तो उसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति स्थल में सुख प्राप्त करना तो उनको है जो सामान्य जीव हैं, किंतु वो ब्रह्मात्माओं को वहाँ पर पूजेंगे। तो श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को, तो ब्रह्मात्माओं को भी तो उससे सुख मिला ना, तो ये कहना चाह रहे। अरस के सुख तो हमेशा घट बढ़ इतना है, परमधाम के सुख हैं वो तो कभी सदैव एक से हैं, और परमधाम में कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। पर ये नया सुख नहीं साहेबे कायम कर दिया विष्ट माए, किंतु नया सुख और नई साहेबी हमारी वैष्णव में मुक्ति स्थलों में अखंड कर दी। अब ये नई बात कर दी ना, तो हमारे जो नश्वर स्वरूप है तो उसका भी, उसकी भी वहाँ पर पूजा करेंगे और उनकी महिमा गाएंगे, तो ये नई बात कर दी। बाकी अखंड में ऐसा होना संभव नहीं है, तो अक्षराते धामधनी ने ये कृपा की है। अरस सुख और विष्ट का सुख ये खेल में दिए सुख दोए, तो इस खेल के माध्यम से परमधाम का सुख भी दे दिया और बहिष्टों का सुख भी दे दिया। कहने का तात्पर्य, परमधाम का सुख यहाँ बैठे बैठे परमधाम के सुखों का अनुभव कर सकते हैं, और बहिष्टों का सुख परमधाम में जागृत होने के बाद में भी वैष्णव में सब लोग ब्रह्मात्माओं की महिमा गाएंगे, तो वो सारे दृश्य ब्रह्मात्माएं जागृत होने पर देख पाएंगी, तो उससे भी उनको प्रसन्नता होगी। इन दो में दिए सुख खेल के, इन दोनों में खेल के सुख दिए। अब ये खेल में तो वैष्णव के सुख भी दिए और परमधाम के भी दिए, किंतु इस खेल के सुख हैं वो दोनों स्थान पर दिए। परमधाम में भी जागृत होने के बाद में नश्वर जगत में हम क्या कर रहे थे, कैसा था, उसको जान करके आनंदित होंगे देख करके, और वैष्णव में भी जीव ब्रह्मात्माओं की पूजा कर रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं, वो देख करके खुश हो जाएंगे। ये हक रसना बिना क्यों होए, ये सुख इतना विशेष कार्य है अक्षराते दामदनी के रसना के बिना दूसरे किससे कैसे हो सकता है, उनकी रसना से हुआ। दही विस्त 14 तबकों सबो पूरा इश्क एलम, 14 लोग को मुक्ति स्थल का सुख प्रदान किया। सबो पूरा इश्क एलम और सबको प्रेम और ज्ञान पूरा दे दिया। सो सब सेवे हमको, वो सब जीव भी हमारी सेवा करेंगे। सबो बल रसना खसम, ये सारा बल सामर्थ्य है श्री राज्य के रसना का है। पहले प्यार दिया मुझे इल्म सो, सो मुझे पे इल्म देवाए, पहले तो सबसे पहले मुझे प्यार दिया और इल्म दे करके मुझे प्यार दिया, और उसे विशेष प्रकार से समझाया। सो मुझे पे इल्म देवाए और फिर मुझसे दूसरों को ज्ञान दिलाया, सब दुनिया को आरफ कर, पूरी दुनिया को भी ज्ञानी बना करके, विद्वान आरफ का अर्थ ये होता है, आरिफ होता है मूल शब्द, तो उसका अर्थ ये है ज्ञानी विद्वान, उनको ज्ञानी बनाकर मुझे आगे सब पे कथा है, तो हमारे सम्मुख सबके द्वारा ये तारतम ज्ञान की महिमा गवाया, ब्रह्मात्माओं की महिमा गवाया, सबके द्वारा सबको ज्ञानी बना करके, तो ये सब राज्य की रसना से ऐसा हुआ है। ये सब का रसनाएँ किया, इल्म प्यारा लगा सबन, सबको ये तारतम ज्ञान अच्छा लगा, तो ये श्री राज्य की रसना के कारण ही ऐसा हुआ है। सो इल्म आरफ पूजे मोहे, इसी ज्ञान के द्वारा
आरफ आरिफ लोग पूजे मोहे मेरी पूजा करेंगे दुनिया में भी और अखंड में होने पर भी मुक्ति स्थल में पहुँचने पर भी। असल अरस में हमारे तन यथार्थ में तो हमारा तन तो परम धाम में है और उन तन के विषय में तो इनको पता ही नहीं है, ये नश्वर तन की भी उसमें वैष्णव में पूजा करेंगे। तो इसलिए वो कहते ना क्या मेरे गुण इन अंग इंद्रियां खड़ी ओसी अरचासी आज आकार, तो ऐसा करके किरणतन में एक प्रकरण आया है। तो इनको सब तालमेल बना करके देखना चाहिए। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं। प्यारा लग्या मोहे जिनसों हक्के बड़ा किया सोए, सो सब पे कहलाए हुकुमे सब विद सुख दिया मोहे। मुझे जो प्यारे लगे जो ब्रह्मात्माएं मुझे प्यारी लगी, हक्के बड़ा किया सोए उनमें अक्षराते धामधनी ने मुझे भी श्रेष्ठ बनाया, ब्रह्मात्माओं ने भी मुझे आदर दिया। सो सब पे कहलाए हुकुमे, तो श्रीराज्य के आदेश नहीं सब में ये बात कहलाई है कि वो कहते हैं ना इंद्रावती मेरो अंग जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रंगाड़ो रमाड़ो रंग, इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग इस प्रकार से कहा। तो ये वो उसमें कह रहे हैं सो सब पे कहलाए हुकुमे सब सब में श्रीराज्य के आदेश ने ये सब कहलाया और सब विद सुख दिया मोहे मुझे इस प्रकार सब प्रकार का सुख प्रदान किया। ये सुध अज नहीं अजो मोमिनो जो सुख दी कर रसनाएँ, अक्षराते धामधनी की रसना ने जो सुख प्रदान किए हैं वो ब्रह्मात्माओं को अभी भी ख्याल नहीं है पूरा। हके सुख दिया आप माफक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तो अपने अनुरूप ऐसे महान सुख प्रदान किया है, सो कया न जाए इन्हें जुवा, उसको इस जुवा से बताया नहीं जा सकता, उसको समझना चाहिए। कर काय महाकर रसना रस सचराचर दिया पहुँचाए, हक रसना के रस ने श्रीराज्य के ब्रह्म ज्ञान के रस तारतम ज्ञान ने कर कायम पूरी दुनिया को अखंड कर दिया और सचराचर दिया पहुँचाए, ये सर सचराचर जगत को अखंड में पहुंचा दिया। यों रसना के सुख हम को कई बद दिए बनाए, इस प्रकार श्री राज्य के रसना के सुख हमें कई प्रकार से दिए हैं, एक एक करके ये हमें पता चलने दिया। जैसे जैसे हमें पता चलते गया तो वैसे वैसे हम ज़्यादा प्रसन्न होते गए, ये कहना चाह रहे हैं। सबों इल्म पढ़ाए आलम किए, सबको ज्ञान दे करके आलिम वो भी विद्वान बना दिया, सबको ज्ञान दे करके आरिफ और आलिम ज्ञानी और विद्वान। जिनसों था मेरा प्यार, जिनके साथ मेरा प्यार था उन सबको भी जो मेरे साथ रहे जो ब्रह्मात्माएं मेरे साथ रही है उन सबको भी ज्ञान दे करके आलिम बना दिया। सो सुखा का रसनाएँ दिया, ये सुख पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना से ही दिया है। करके बक्का विस्तार, उनके द्वारा ये इस पूरे विस्तार को बक्का करके अखंड करके, तो ब्रह्मात्माओं के द्वारा सारे जीवों को अखंड करके तो उसमें भी उनको ये सुख प्रदान किया, ये सब कर दिया तो इससे मुझे भी सुख मिला ना। तो ये सब श्री राज्य के रसना का दिया हुआ सुख है। एक आयम सुख का तरफ के हक इलम इसका हुकुम, एक आयम सुख पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ से प्राप्त होने वाले सुख ये अखंड हमेशा के हैं। वो क्या क्या हैं? हक इलम इसका हुकुम ब्रह्म ज्ञान प्रेम और आदेश, उसी प्रकार से सुख लाड लज्जत हुज्जत के, तो लाड लज्जत वो भी क्या है हुज्जत के, हुज्जत दावा होता है हम परम धाम के हैं ऐसा ये भी अनुभव करवाया, और श्रीराज्य का लाड लज्जत का मतलब उनका लाड उसका आस्वादन भी करवाया, हमें अनुभव करवाया, अरे
हम परम धाम के ख्याल होते ही श्री राज्य कितने कृपा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, वह सब ख्याल आने लगा। तो ये सारा किसने करवाया है, दिए कायम मेरे खसमा, तो इस प्रकार ये सुख भी कायम मेरे खसम ने मुझे प्रदान किया है, श्री राज्य ने मुझे इस प्रकार अपार सुख प्रदान किया। सुदना होती हक साहिबी ना सुद इल्म वाहिदत, तो मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साहिबी उनके प्रभुत्व का भी ज्ञान नहीं था और न ही वाहिद अद्वैत भूमिका का ज्ञान था। सुदना हुज्जत निश्वत, हम परमधाम के हैं, श्री राज्य के अंगनाएं हैं, इसका भी कुछ ज्ञान नहीं था। सुदई जुआ खिलवत, श्री राज्य की रसना ने तो ये ज्ञान दे करके हमें खिलवत, तो ये उसमें हमें श्री राज्य के सानिध्य में रहने वाली ऐसा अनुभव करवाया। हक बका सुख कई विधा अरस में नहीं सुमार, तो इस प्रकार अक्षराधे धामधनी से प्राप्त होने वाले सुख परम धाम में तो इतने ज़्यादा हैं कि उनका कोई पारावारी नहीं है। बिना बूझे सुख हम लेते होते ना खबरदार, तो ये सारे सुख हम परम धाम में लेते रहे अभी तक, किंतु फिर भी सचेत नहीं हुए कि राज्य हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी उस पर हम सचेत नहीं हुए। सो आठों बीस तक कायम कर दिए अरस पट खोल मार्फत, अब आठों बहिश्तों में सब जीवों को अखंड बन देकर कर दे करके दिए अरस पट खोल मार्फत, परमधाम के पट भी खोल करके परमधाम की पहचान करवाई, पूर्ण ब्रह्म की पहचान करवाई, हमें आत्मा की पहचान करवाई, तीन में पूजाए सुख दिए। अब इन आठों बहिश्तों में पहुँचने वाले जीवों में भी हमें हमारी पूजा करवा करके कर जाहिर हक निश्वत, अक्षराते धामधनी ने ये जाहिर कर दिया कि हमारा संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, वो भी इस प्रकार से इस उद्देश्य से हमारी पूजा करेंगे कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ रहने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, ऐसा समझ करके वो हमारी पूजा करेंगे। हक रसना सुख दिए देता है और सुख देंगे आजो आगू जे, हक की रसना श्री राज्य की रसना है, सुख देती रहती है, आज तक उसने दिए हैं और देती रहती है, और भी भविष्य में सुख देगी और सुख देंगे आगू जे, भविष्य में भी और भी सुख देंगे, आगो का तात्पर्य आगे भविष्य में भी। सो इतथे हम सब देखता सुख केते कहूँ रसना के, अब हमें इस नश्वर जगत में हैं, ऐसा नश्वर जगत दिखा करके नश्वर जगत से ये सारे सुखों का अनुभव करवा रहे हैं, भविष्य में भी सुख होंगे, जागृत होने के बाद में भी अपार सुख प्राप्त होगा, पहले भी बहुत सुख दिया, ये सब अनुभव यहीं से करवा रहे हैं। हक रसनाएँ ऐसी सुदई हुआ है होशी बका माहे, श्री राज्य के रसना ने हमें ऐसी शुद्ध दई ऐसी समझ दी, हुआ है होशी बका माहे, जो अभी तक हुआ है और भविष्य में जो होगा, जो सुख होगा, जो लीलाएँ होंगे, यूँ खोली अंतर रूह नजर, ऐसी हमारी अंतर्दृष्टि को खोल करके बता दी, ऐसी हुई न रूहों सों काहें, अभी तक हम ब्रह्मात्माओं से ऐसी कृपा नहीं हुई है, ये अभी ये सब करवाया है। कहूँ केते सुखा कर रसना, इस प्रकार श्री राज्य के रसना के सुखों की क्या बात कहें, जैसे आप अलेखे अपार, जैसे स्वयं श्री राज्य महान हैं, जिनका हिसाब किताब नहीं हो सकता, लेखा जोखा नहीं हो सकता, जैसे वो स्वयं महान है ऐसे उनके रसना भी महान है और उसके सुख भी महान है। सो सब सुख बका में रूहों जाको होए न कहो सुमार, ये सारे सुख हैं बक्का में रूहों को प्राप्त होंगे, ब्रह्मात्माओं को, जाको होए न कहो सुमार, जिनका कोई पारावारी नहीं है। ए नेक कया बीच खेल के हक रसना के गुण, इस प्रकार
श्री राज्य के रसना के गुण ये थोड़े से यहाँ पर बताए हैं दुनिया में। ये सब बातें मिलकर शी आगो हक बका वतन्ना, जब हम परम धाम में जागृत होंगे श्री राज्य के समक्ष ये सारी बातें फिर करेंगे। अभी तो थोड़ी बात बताई है। सुनो महामत रसना रस और सुनाइयो मोमिन। महामती कहते हे ब्रह्मात्माओं मोमिनो, तुम स्वयं भी सुनो श्री राज्य के रसना के रस को और दूसरों को भी सुनाओ। जो हुकुम कहे तो हे हित कर, श्री राज्य के आदेश ने तुम्हें कृपा करके जो कुछ कहा है प्रेम से, हक रसना के गुण श्री राज्य के रसना के गुण जो बताए हैं उनको तुम समझो और दूसरों को भी समझाओ। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हक रसना के गुण सुनो महामत रसना रस, सुनो महामत रसना रस और सुनाइयो मोमिन, और सुनाइयो मोमिन। जो हुकुम कहे तो ये हित कर, जो हुकुम कहे तो ये हक रसना के गुण, हक रसना के गुण, हक